देखो ना इसको, देखो ना कैसा है, उसको थोड़ा सा शेप में है, देखो ऐसे ऐसे। ये गाय है, ये चूहा बन गया, ये चूहा है, गाय है। सही से बना मौसी। महाराज तेरे माथे मुकुट राज। हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, कुछ दिन से मैंने ब्लॉग नहीं दिया क्योंकि हमारे जो जेठ जी उनका देहांत हो गया था और मन सही नहीं था, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया है। पर आज गोवर्धन था, वो हमारे लिए इतने ज़रूरी है गोवर्धन महाराज, जैसे कि हमारे शरीर में हमारे प्राण। तो सोचा आज ब्लॉग बनाती हूँ, तो कैसे उनकी पूजा करते हैं मैं आज सब आपको दिखाती हूँ और ब्लॉग शुरू करती हूँ, लेट्स गो। तो गाइज सबसे पहले सफाई करते हैं, क्योंकि सफाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी वो जो डॉली थी जो काम करती थी वो नहीं आई है, उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो काम भी हमें ही करना है। और सफाई वगैरह सब कुछ, गोवर्धन पूजा सब, आज बहुत काम है, आज हमारा बहुत बिजी दिन है। तो मैं नीचे साफ़ कर रही हूँ, रीना ऊपर सफाई कर रही है, और पहले सफाई करेंगे फिर उसके बाद कुछ और। गाइस वेस्ट मिलाती हूँ आपको, ये काम करना पड़ रहा है, ये हम मुझे भी और इसको भी। मत पूछो क्या हो गया, तेरे बनेगा नहीं ना। बस अब इसके बाद मैं खाना बना के बस मैं वो काम करके फिर मैं खाना बनाऊंगी। हाँ। चलो ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं क्योंकि ये काम कर रहे हैं, मुझे भी काम करना है। तो चलो नीचे चलते हैं, जल्दी जल्दी। और अभी हमें गोवर्धन महाराज भी बनाने हैं और क्या। चलो 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 चलो। तो गाइज हमें काम भी करना है और खाना भी बनाना है, गोवर्धन महाराज भी बनाने हैं। आज हम पे बहुत काम है और हम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये रीना घूम रही है, किचन में जा रही है क्योंकि इसको कढ़ी चावल बनाने हैं और खाना बनाना है, और मैं इसकी हेल्प करूँगी। तो गाइज अब हमने प्रसाद बना लिया है, अब सब इसको पाकर भोजन कर रहा है। नहा लिया भाई कि नहाने जा रहा है? नहा लिया, दो दो बार नहाऊं। तो जल्दी से कर लो, फिर पूजा करेंगे नीचे। ठीक है, और कहीं भी दिखाओगे थोड़ा बॉडी का, वो दिखा दे अपने का, एकदम पोज दियो जरा बॉडी के, बॉडी के पोज दे। ये बेटे, ओ बेटे जाओ कपड़े पहनने, तो जाओ पीछे से बैग तो दिखा अपनी, जाओ। क्या बात है, गो गाइस। ये लड़की देख रहे हो आप, ये रात को पढ़ती है और दिन में सोती है। मैडम कृष्णा, कृष्णा आज गोवर्धन है बेटा, उठो उठो। तो ये देहा पूजा कर रही है यहाँ पे, और ये देखो सारे भगवान को इन्हें साफ किया है, मिलाया है धुलाया है, क्योंकि कल ग्रहण पड़ा था, तो ये पूजा पाठ कर रही है लड़की। अब यहाँ पे बन रहा है गोवर्धन, और गोवर्धन नेहा और रीना बना रही है दोनों मिलके। तू बनाती जाना ब्लॉग दो। नेहा तू इसमें आउटलाइन कर रही है, तुझे दिखाई दे रहा है कुछ? यार इसकी आंखें देखो इतनी तेज है। यार रीना बनाती जा रही है साथ के साथ। पैर ना तिरछे होते हैं, तिरछे टेढ़े वाले। माला थोड़ी है, थोड़ा हिसाब से काम चलाओ है? माला कम है जी, ओके जी। कम में करो भाई, कम में ओके बचत। गोबर तो तुमने, गोबर में तो बचा दिया है, देखो गाइस जरा से कितना बचा, क्या बनेगा गाय, सब बनेगी ना क्या? अच्छा अच्छा हाँ, अभी तो वो भी नहीं बने, अभी गोपी बनेगी और दूध काढ़ा अमनी बनेगी, गाय माता बनेगी, अभी तो बहुत चीज बनेगी, इसीलिए बचा दिया है तुमने। मैं कुछ करूँ क्या? नहीं नहीं आप बस वीडियो बनाओ। तो मैंने ब्लॉग ही संभाल रखा है। देखो आज रीना कितनी अच्छी लग रही है, सर पे पल्ला रख के एकदम संस्कारी लग रही है रीना, देख कितनी अच्छी लग रही है आज तू। आज तुझे सब लोग देखेंगे घर परिवार के, क्या कहेंगे, ऐसी संस्कारी बहू है, ये वही बहू है जो हेलन बनी रहती है। नेहा गोवर्धन महाराज का मुंह ठीक कर,
फैला हुआ था थोड़ा सा। सही से बना मौसी, तू रहने रीना बनाएगी। अरे सही है रीना, तू बना गाय, इसने सही नहीं बनाई, ये तो अब शेर बना दिया। तो गाइस रीना की जिम्मेदारी हो गई खत्म, उसने बहुत सुंदर गोवर्धन महाराज बनाए हैं। अब गोवर्धन महाराज हमारे घर आ तो गया, अब उनका भोग प्रसाद भी तो हमें बनाना है, तो अब बनाएंगे हम पोहे, किसी किसी के यहाँ गुलगुले भी बोलते हैं, और अठावरी बनाएंगे, उनसे भोग लगाएंगे। वैसे तो 56 भोग लगता है, यशोदा मैया हमेशा 56 भोग लगाती थी ठाकुर जी को, लेकिन उन्होंने बोला कि अपने भगवान भाव के भूखे हैं, उनको ये 56 भोग से कोई मतलब नहीं है, हमारा भाव देखते हैं वो कि आपका भाव कैसा है। तो गाइस अब बनाते हैं पोहे और अठावड़ी, और उससे करते हैं पूजा, और पूजा की थाली लेके चलते हैं नीचे। ये पोहे तैयार हो रहे हैं और ये अठावड़ी बन गया, ये नीचे जाएगी, कृष्णा लेके जाएगी इसे नीचे। देखिए ये लो, पूजा पहले पूजा कर लो, बाद में ध्यान दे देना। है मुखार जी है।
गाइस गोवर्धन की पूजा हो गई, अम्मा सबको प्रसाद दे रही है। अम्मा बाबा दे दे, बाबा का प्रसाद दे दो, बोलो जा भाई माँ को ले जा, भाई बाप को ले जा, चलो दोनों को बोल दो पैर दुखाना नहीं। तो गाइज गोवर्धन की पूजा हो गई है, हमने अपने सासू माँ से आशीर्वाद दिया, जयकारे लगाए, बहुत अच्छे से हमारी पूजा हुई। आई होप सो आपकी भी पूजा अच्छी हुई हो गोवर्धन की, और सबको हैप्पी गोवर्धन, जो कि मैं मॉर्निंग में कहना भूल गई थी आपसे, तो अब बोल रही हूँ। और कल भैया दोज है, और कल हम अपने घर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ खोटे त्यौहार चल रहे, तो इस वजह से मेरा भाई यहाँ पर आएगा। और अब करते हैं ब्लॉग ख़त्म, क्योंकि मुझे अभी एडिटिंग भी करनी है, मुझे बहुत रात हो जाती है, फिर मुझे सुबह भी उठना है और बहुत सारे काम होते हैं मेरे लिए। तो गाइज़ ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और हमसे गलती हो तो हमें माफ़ करें। गुड नाइट। Thank you.